नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैजिकल तेल की रेसिपी, जो कि आज आप लोग एक बार इसको बना लेंगे तो ये तेल आपके फेवरेट तेल हो जाने वाले हैं। और आपके यदि बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, रूखे सूखे बेजान हैं, तो ये तेल आपके बालों में नया जान फूंक देगा। और जो बाल आपके गुच्छे में निकल रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, वो तो बिल्कुल वहीं पर रुक जाएगा। तो यदि आपको भी बनाने हैं इस टाइप से मैजिकल हेयर ऑयल, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पूरा ही देखिएगा। यदि आप आधा अधूरा वीडियो देख के बनाएंगे तो फिर तेल आपका कैसा बनेगा, काम करेगा या नहीं करेगा, तो वो हमारा गलती नहीं होगा। तो आप लोग पूरा ही वीडियो को देखिए। और वीडियो जब भी आप फेस से या बालों के लिए कुछ बना रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा से वीडियो को देख के पहले समझ के फिर बनाइएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको बनाएं फ़ायदे के लिए और ये गलत असर छोड़ जाए। तो दोस्तों, एक प्यारा से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि हमारा बनाया हुआ रेसिपी और हमारा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके छोटा सा जो घंटी का आइकॉन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, तो आगे भी हमारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आप तेल को बनाएंगे कैसे? तेल पहले बना चुकी थी तो इतना सा बच गया है यूज करते करते, तो इतना तेल है तो फिर से हमें तेल दूसरा बनाना होगा। तो मैं सोची चलिए आप लोगों के साथ भी तेल की रेमेडी को शेयर कर दूं, जो आप लोग भी इसे बना के और अपने घरों में रख सकें। तेल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा सामग्री, चलिए देख लेते हैं। तो आज के जो तेल बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए कुछ पत्तियां पान के। तो ये पान की पत्ती आज से पहले आपने खाने के लिए और पूजा पाठ के लिए यूज किया होगा, लेकिन इसका तेल भी बन सकता है, ये आप लोगों को शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा। तो आज के जो वीडियो है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और ये जो तेल है, हर उम्र के बच्चे बच्चियाँ, बड़े छोटे सभी कोई लगा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ही देखिएगा। एक बात को मैं 2 से 3 बार आप लोगों को ज़रूर से बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा ही देखिएगा, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, 4 पान की पत्तियाँ ली हूँ। आप तेल कितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पत्ते ले सकते हैं। इसको एक बार पानी में डाल के बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इसमें कोई भी धूल मिट्टी ना बचे। अब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी लगा हुआ है, पानी को थोड़ा सा कोई भी सूती कपड़ा से आपको पोंछ के अच्छे से सुखा लेना है। इसमें पानी का ज़रा सा भी हमें मात्रा नहीं चाहिए, जिससे कि तेल हमारा लंबे समय तक चले और बिल्कुल भी वो ख़राब ना हो। तो इसी तरीके से अच्छे से सारे पत्तियों को पोंछ लेंगे। दोस्तों, आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, इससे हमें अच्छा लगेगा और आपका थैंक्स भी कर सकूंगी। तो यहाँ पर देखिए, सारे ही पत्तियों को अच्छे से सुखा ली हूँ। थोड़ा सा और भींगा है तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। अब सुखाने के बाद क्या करेंगे, इसका जो डंठल है ये वाले भाग को हमें हटा देना है इस तरीके से, और सारे पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ लेना है। जितना अच्छा से आप इसको छोटा छोटा तोड़ेंगे, उतना ही अच्छा जो इसके अंदर अर्क है, यानी कि इसका जो रस है, वो निकल के तेल में आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से छोटा छोटा सा हमें तोड़ के तैयार करना है। इसका खुशबू इतना ज़्यादा अच्छा होता है पान का, जो कोई खाते हैं पान उनको तो खैर मालूम ही होगा। इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है बालों के जड़ का, वो बढ़ाता है। जो ब्लड सर्कुलेशन यदि आपके कम हो जाते हैं, तो वही हम लोगों का जो बाल है वो ग्रोथ नहीं करता है, बाल बढ़ते नहीं हैं और तेज़ी से झड़ना भी शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 पत्तियाँ को तोड़ के ले ली हूँ पान का, और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें एक छोटी पत्ती और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 पत्तियाँ ली हूँ, क्योंकि पान के जो पत्ते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से थे। आप बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते ले रहे हैं तो 2 ले सकते हैं। अच्छे से इसको थोड़ा सा इस तरीके से हाथों से
कुचलते हुए मसलते हुए इसका जो जूस है उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा ये निकल जाए बाहर। तो यहाँ पर देखिए सारे पान की पत्तियों को तोड़ लिए हैं, अब इसे रख देना है साइड में। अब अगला जो सामग्री है जो इसके साथ डाला जाएगा वो है मेथी दाना। ये मेथी दाना हम लोगों के किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है, फेनोग्रिक सीड। तो इससे भी हमारे बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनते हैं और बालों का जो झड़ना है वो एकदम से कुछ ही दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो ये रुक जाते हैं बाल झड़ना। तो आप लोग ज़रूर से इसको बनाइएगा मैजिकल तेल को और आप लोग अपने बालों पर इसका यूज कीजिएगा। बनाने का तरीका अच्छे से जानिएगा, आप ज़रूर इसको बिना बनाए रह नहीं पाइएगा। तो यहाँ पर एक चम्मच यानी कि बड़े वाले चम्मच से, देखिए चम्मच का साइज एक चम्मच भर के ली हूँ। और तेल आप ज़्यादा बनाएंगे तो आप सारे चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा करके और ले सकते हैं। मैं आपको वीडियो में बताती जाऊँगी कि कितना तेल में आप कितना क्या डाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मेथी दाना को थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा क्रश करेंगे। तो यहाँ पर लेना हमें छोटा वाला मिक्सर जार और इसमें जो एक खास सामग्री है वो है लौंग। तो 3 से 4 आप फूल वाले लौंग ले सकते हैं जिसके आगे में इस टाइप से फूल बना हुआ हो। और ये वाले लौंग जो है हमारे बालों के लिए कोई भी रेमेडी आप बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बन के आता है। तो यहाँ पर 4 से 5 आप लौंग ले सकते हैं और इसके साथ ही हम लोग इसमें डाल देंगे ये मेथी के बीज को। आप खलबट्टे में भी इसको कूट सकते हैं लेकिन खलबट्टे में कूटने से क्या होता है अच्छे से कूट नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसका हमें बहुत ज़्यादा पाउडर पाउडर सा नहीं बनाना है, ऐसा बनाइएगा कि थोड़ा सा जो मेथी का दाना है वो सारा टूट जाए। तो बस इतना ही, इसको 1 से 2 बार मिक्सी को चलाएंगे बस आराम से ये थोड़ा सा दरदरा सा पिस जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेथी और लौंग को हल्का सा दरदरा सा कूट ली हूँ और इसको निकाल लेंगे अलग बर्तन में। इस तरीके से करके जब आप तेल में इसको ऐड करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और यदि पूरा पूरा आप मेथी डालते हैं तो फिर ये वो उतना अच्छा से काम नहीं करता है। तो आप लोगों को जैसे बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप लोग भी तेल तैयार कीजिएगा। अब क्या करना है, इसमें जब मेथी आप कूट लिए हैं तो इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी यानी कि मंगरेला, बस ये आधा चम्मच ही डालना है, ये ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको हमें कूट के भी नहीं डालना है, यदि आप इसको कूट के डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और ये बहुत छोटा दाना होता है तो आप इसको पूरा भी डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से तेल के अंदर जो है ये काम कर जाएगा। तो इसमें आधा एक चम्मच भर के आपको डालना है मेथी दाना। दोस्तों ये 100 ml तेल के लिए मैं बता रही हूँ आपको सामग्री। यदि आप 250-300 ग्राम तेल का बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा। 100 ml तेल के लिए 1 चम्मच बड़े चम्मच से, तो इसी के हिसाब से आप 300 ग्राम का बनाएंगे तो 3 चम्मच 4 चम्मच ऐसे करके आप डाल सकते हैं। मेथी दाना थोड़ा ज़्यादा भी डाल दीजिएगा तो ये तेल जो है आपके ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे ही जो ये पाउडर वाला जो है ये हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पर पान भी हमारा तैयार हो चुका है। तो अब चलिए बनाने का तरीका देख लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो कोई भी आप कांच का बोतल ले लें जिसमें कि आपके तेल लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। यदि आपके पास कांच का नहीं है तो आप कोई भी साफ सुथरा सूखा हुआ बिना तेल वाले बर्तन ले सकते हैं, बिना पानी वाले जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहले इसमें डालेंगे पान के पत्तियों को और यहाँ पर पान के पत्तियों को डालने के बाद क्या करेंगे, कोई भी चीज़ से जैसे आप चम्मच ले सकते हैं या इस टाइप का जो कुटनी होता है वो ले सकते हैं और हल्का हल्का सा इसको जो है मसल देंगे। ध्यान रखिएगा कांच का बर्तन ले रहे हैं तो थोड़ा लग ना जाए। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा दबा देंगे जिससे कि इसका जो रस है जूस है वो निकल जाएगा। पीस के भी तो यूज किया जा सकता है, तो इसको बिल्कुल भी पीसिएगा नहीं, धीरे धीरे से आप इसको मसल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय लगेगा और अच्छे से ये मसल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए जब ये पान की पत्तियाँ अच्छे से मसल चुके हैं अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग ये वाले जो पाउडर बना के अभी मेथी और इसका रखे हैं वो वाला। तो सारे ही इसमें डाल दी हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे पान के पत्तियों के साथ।
दोस्तों आप तेल अपने मनपसंद का बना सकते हैं, जैसे आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, नारियल तेल में भी बना सकते हैं, आप इसको ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। आपके बालों को जो भी सूट करता है, जो भी तेल सूट करता है, आप इसको उस तेल में बना सकते हैं। तो आज मैं दो तरीके का तेल इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। एक इसमें डालूंगी नारियल का तेल अच्छे से, तो यहाँ पर नारियल का तेल डाल देना है, और एक मैं डालूंगी इसमें तिल का तेल। तो दो तरीके का मैं तेल इसमें डाल रही हूँ, एक तिल का तेल और एक नारियल का तेल। तिल का तेल, तिल जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों को मजबूत बनाता है, काला बनाता है। और ये वाले जो तेल हैं, जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद होने शुरू हो चुके हैं, एक दो बाल आजकल छोटे उम्र के भी बच्चे हो या बच्चियां हो, उनका बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खान पान आजकल का जो है गलत है, बहुत ज़्यादा खाद वाला सामग्री सब मिल रहे हैं, बच्चे जो हैं इधर उधर का फूड खाते हैं, घर का खाना खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो उनके बाल इस वजह से भी गिरने शुरू हो जाते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, वो हर दिन अपने डाइट में एक आंवला का सेवन ज़रूर करें, उनसे भी आपके बाल जो हैं झड़ना रुक जाएंगे। जो ऊपरी आप लगाते हैं उससे अच्छा होता है कि आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करें और खान पान का अच्छा ध्यान रखें, तो आपके बाल ऑटोमेटिक झड़ना रुक जाते हैं। खाना में प्याज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे भी हमारे बाल झड़ना रुक जाते हैं। तो इसमें मैं दो तरीके का तेल ऐड कर दी हूँ, एक नारियल तेल और एक तिल का तेल। आप इसको एक तेल के साथ भी बना सकते हैं, और दो तीन तेल यदि मिक्स करके बनाते हैं तो भी ये तेल जो है आपका ऑयल बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसमें जो लास्ट एक सामग्री डालेंगे जो इस तेल को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, तो उसको देख लेते हैं कि वो सामग्री क्या है, इसको कैसे लगाएंगे वो भी आपको बताऊंगी। ये तेल हमारे कितना दिन में बनके तैयार होता है, और तेल को बिना पकाए हुए बनाई हूँ, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैं उनको भी बता दूंगी कि ये तेल मैं आपके लिए खास करके बनाया है। अब इसमें क्या डालना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं ली हूँ विटामिन ए के कैप्सूल्स, तो इसमें दो कैप्सूल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये विटामिन ए के जो कैप्सूल है, हमारे स्किन में भी जो दाग धब्बे होते हैं उसको भी दूर करता है, बालों का झड़ना गिरना उस परेशानी से भी हमें बचाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ऐड किया करें। ये कहीं भी केमिस्ट के शॉप पे आपको मिल जाएंगे, तो आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। इसमें दो कैप्सूल डालेंगे इतना तेल में, हल्का सा कट लगाइए और इसमें जो इसका रस है उसको तेल के अंदर डाल देंगे। और ये तेल जो है दोस्तों, यकीन मानिए आप कुछ ही दिन इसका सेवन करेंगे, इसका लगाएंगे अपने बालों में, तो जो आपके बाल गिर रहे हैं वो कुछ दिन के इस्तेमाल में ही आपके बाल जो है गिरना रुक जाएंगे। अब कुछ भी ऐसा नहीं होता है, जैसे हम लोग कमजोरी का यदि कोई उपाय करते हैं, कुछ खाते हैं, तो जब कुछ दिन खाते हैं तभी तो वो असर दिखाता है। ऐसा थोड़े ना है कि तुरंत खाएं और तुरंत हम लोग ताकतवर हो जाएं, मजबूत हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ दिन आपको इस्तेमाल इसको करना होगा। और जाता ही क्या है, जब आप अपने बालों में तेल लगाते हैं तो वो नॉर्मल तेल के जगह पे आप इस तेल को भी लगा सकते हैं। अब इसको तैयार कैसे करना है, इसमें आप ढक्कन लगा दें, और जहाँ भी आपके घर में यदि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ अच्छा धूप का व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो धूप आता ही होगा, तो आप इसको बंद करके जहाँ धूप आए धूप वाले जगह पे इसको रख दीजिए, और धूप में ही ये तेल पक पक के तैयार हो जाएगा। एक दिन जब रखेंगे फिर अगले सुबह दूसरे दिन अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिएगा, तो ये चार दिन लगेंगे। यदि ज़्यादा तेज़ धूप है आपके यहाँ तो चार दिन में ये तेल बन के तैयार हो जाता है, और आप इसको महीनों स्टोर करके लगा सकते हैं। और चाहें तो आप जब भी तेल ख़त्म हो दूसरा तेल बना लें, जब भी तेल ख़त्म हो दूसरा तेल बना लें, तो बहुत दिन तक आपको स्टोर करने का भी झंझट नहीं रहेगा। इसको लगाएंगे कैसे दोस्तों, जब आप लोग बालों में तेल लगाते हैं शैम्पू के बाद या शैम्पू के पहले कभी भी, तो पूरे एक दिन पहले तेल को अच्छे से मसाज कीजिएगा जड़ में, बालों के पूरे जड़ में, पूरे लेंथ में, पूरे अच्छे से मसाज कीजिएगा। मसाज करने के बाद एक दिन एक रात आप चाहें तो तेलों को बाल में लगा हुआ रहने दें, आप चाहें यदि रात में मसाज कर रहे हैं तेल से तो पूरे रात बाल में तेल को लगा रहने दें, थोड़ा रहेगा तभी ये अपना फ़ायदा दिखाएगा।
और अगले सुबह आप चाहें तो शैम्पू कर सकते हैं। और सप्ताह में आप कितना दिन तेल को लगाते हैं, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही ये असर दिखाएगा मैजिकल तेल आपके बालों पर। तो आप लोग इसको ज़रूर से लगा के देखिए, और लगाने के बाद महीना डेढ़ महीना के अंदर जो है इसका जो फायदा हो आपको मिलने लगेगा। जब ये तेल पक जाएगा तो इसका कलर जो है हल्का ग्रीन ग्रीन सा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में पावरफुल तेल बना सकते हैं, बच्चों को बड़ों को सभी कोई को लगा सकते हैं। इससे हेयर फॉल, डैंड्रफ, बालों की लंबाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे और जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा, जो पत्तियां हैं वो नीचे बैठ जाएगा। तो आप इसमें से ही तेल ले लेके लगाएं। यदि बहुत दिन का ये तेल जैसे महीना भर आप रख रहे हैं तो आप चाहें तो छन्नी में छान के ये पत्ती को निकाल सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर ही पड़ा रहेगा तो ये और भी ज़्यादा गुणकारी तेल आपका बनके तैयार होगा। दोस्तों उम्मीद करूँगी आज की जो रेमेडी है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।